हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ और एडवांस इंग्लिश वर्ड्स। आपने मेरा पहले भी वीडियो देखा होगा कि नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में क्या अंतर है। नॉर्मल इंग्लिश वो है जो हम सब बोलते हैं, जो हमने स्कूल में सीखे हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन एडवांस इंग्लिश क्या है? वो है स्मार्टली बोले जाने वाली लैंग्वेज, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। नेटिव स्पीकर्स कौन? वो जिनकी मातृभाषा ही इंग्लिश है। आपने कभी डिफरेंस देखा है उनकी इंग्लिश में और आम इंडियंस की बोले जाने वाली इंग्लिश में? बहुत अंतर है। उनकी इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, उनकी वोकैबलरी बहुत रिच होती है। तो अगर आपको उनकी तरह अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको अपने शब्दों का जो स्टोर है उसे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी वोकैबलरी को एनरिच करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं और उसी वर्ड को एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलता है। अब आपको मेरे साथ इन सेंटेंसेस को दोहराना है और इन वर्ड्स को भी दोहराना है। बार बार प्रैक्टिस करने से आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करने के आदि हो जाएंगे और फिर एक दिन आपकी इंग्लिश भी बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है लीव, और लीव तो हम बोलते हैं छोड़ देना, और नेटिव स्पीकर्स क्या बोलते हैं इसकी जगह? अबैंडन। अब इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं। वी हैड टू अबैंडन द कार, हमें कार को छोड़ना पड़ेगा। एज अ बेबी ही वॉज अबैंडन्ड बाय हिज मदर, एक बच्चे के रूप में उसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था। मीन्स जब वो बच्चा था तब उसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था, वो अकेला रह गया था। दूसरा वर्ड है मैड। मैड मीन्स पागल। अब इसको नेटिव स्पीकर्स बोलेंगे इनसेन। कितना अच्छा वर्ड है इनसेन। शी वॉज इनसेन विद जेलसी, वो जलन से पागल थी। एन इनसेन पर्सन इज अनअकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस, एक पागल आदमी अपने किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। दूसरा वर्ड हमने लिया है, बहुत ही कॉमन है, आउटसाइड, और इसको आप स्मार्टली बोलेंगे एक्सटीरियर, यानी बाहर का। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द एक्सटीरियर वॉल्स आर मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, बाहर की दीवारें लाल ईंटों की बनी हैं। ही चेक्ड द एक्सटीरियर डोर, इट वॉज अनलॉक्ड, उसने बाहर का दरवाजा चेक किया, वो अनलॉक था, खुला हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है पुअर। वेरी कॉमन वर्ड है, गरीब, बेसहारा, जिसके पास कुछ ना हो, बेचारा। और इसके लिए एडवांस इंग्लिश में वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर, जिसको हम एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। द फ्लड्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया या गरीब बना दिया, जिनके पास ना खाने को था, ना पहनने को था, और ना ही कोई रहने के लिए आश्रय था। द रूम वॉज डेस्टिट्यूट ऑफ कम्फर्ट्स, कमरा सारे सुख सुविधा के साधनों से वंचित था, खाली था, यानी वहां कुछ नहीं था। नेक्स्ट है क्वाइट, जिसका मतलब है शांत, आप सब जानते हैं। अब इसको नेटिव स्पीकर्स बोलेंगे पीसफुल। तो एडवांस इंग्लिश में क्वाइट के लिए वर्ड है पीसफुल। आइए पीसफुल को सेंटेंस में यूज करते हैं। द पार्क इज सो पीसफुल, पार्क में बहुत शांति है, पार्क बहुत शांत है। दे सेटल्ड द कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन्स, उन्होंने अपने मतभेदों को शांति से सुलझा लिया। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट का मतलब है दंगे, दंगा फसाद, और इसका एडवांस इंग्लिश है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब भी होता है विरोध करना, दंगे करना। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। अटेम्प्ट्स टू निगोशिएट पीस एंडेड इन आर्म्ड रिवोल्ट, शांति कायम करने की कोशिश में क्या हो गया? दंगे
हो गए. नेक्स्ट इज ही इज फेसिंग अ रिवोल्ट बाय मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी. वो अपने ही पार्टी के सदस्यों का विद्रोह फेस कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड है रूड, और इसको नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं इम्पोलाइट. इम्पोलाइट यानी कठोर, जो विनम्र ना हो. सेंटेंस में यूज करते हैं इम्पोलाइट को. द इम्पोलाइट फेलो वॉज थ्रोन आउट. इम्पोलाइट व्यक्ति को यानी निर्दयी व्यक्ति को बाहर फेंक दिया गया. नेक्स्ट सेंटेंस, हिज इम्पोलाइट वर्ड्स एंगर्ड द टीचर. उसके कठोर शब्दों ने टीचर को नाराज कर दिया. नेक्स्ट वर्ड है टॉक, और इसकी स्मार्ट इंग्लिश है कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना. इसको सेंटेंस में यूज करते हैं योर कॉन्वर्सेशन इज द मिरर ऑफ योर थॉट्स. तुम्हारी बातचीत तुम्हारे विचारों का आईना है. बाय रीडिंग वी एनरिच द माइंड, बाय कॉन्वर्सेशन वी पॉलिश इट. पढ़ने से हम अपने दिमाग को समृद्ध करते हैं और बातचीत करके उसे और निखारते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हग, और इसकी एडवांस इंग्लिश है एम्ब्रेस यानी गले लगाना. सेंटेंस देखते हैं, मैनी पीपल आर अनविलिंग टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज. बहुत से लोग नई नई तकनीक को गले लगाने से झिझकते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते. नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट माई लाइफ टू एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ नेचर. मैं अपनी बाकी की जिंदगी प्रकृति को गले लगाकर बिताना चाहता हूँ. नेक्स्ट वर्ड है होम, जिसकी एडवांस इंग्लिश है रेसिडेंस, और रेसिडेंस को सेंटेंस में यूज करते हैं. ही टुक अप रेसिडेंस इन कैनेडा. उसने कैनेडा में घर ले लिया. दूसरा सेंटेंस, दे हैव मूव्ड टू अ स्पेशियस रेसिडेंस ऑन अ हिल टॉप. वो पहाड़ी के ऊपर एक खुली जगह वाले घर में चले गए. तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए. आज के लिए इतना ही. जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस को भी रिपीट करना है. बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो ये सारे एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स आपकी हैबिट में आ जाएंगे, और फिर आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे. तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे.